बात जब होती है सेफ्टी की तो सेफ्टी में VW का पहला नाम आता है, क्योंकि 5-स्टार रेटिंग तो एडल्ट सेफ्टी में तो लेके तो आती ही है, चाइल्ड सेफ्टी में भी 5-स्टार रेटिंग लेके आई है जो नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो मैं आज जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ वो Volkswagen की वर्टिस है। ये जो वर्टिस है ये बेस मॉडल है। सबसे पहले बात बताएं तो इसके प्राइस कंफर्ट लाइन बोला जाता है इसको, और ये 11,48,000 रुपए की आपको एक शोरूम में पड़ती है। अगर वहीं देखा जाए इसके टॉप लाइन की बात करें या कि टॉप एंड मॉडल में, तो आपको 14,90,000 में आपको यहाँ पे एक शोरूम में पड़ने वाली है। चलते हैं हम लोग फ्रंट से, और फ्रंट से जो लुक है एक स्लिक डिजाइन है, कट एंड क्रीजेस देख रहे हो आप, बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है। इसका जो कलर है वो राइजिंग ब्लू नाम दिया गया है Volkswagen ने। फ्रंट पे आपको जो नीचे में जो वेंट दिया गया, जो कि एयर वेंट की तरफ से यहाँ पे दिया गया है, जो एयर इनटेक के लिए जो जगह दी गई है वो फाइबर पार्ट यहाँ पे मिलने वाला है। नीचे में आपको ब्लू कलर का यहाँ पे स्किप प्लेट मिलने वाली है। फ्रंट में आपको VW का लोगो यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़े से क्रोम मिनिमल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इस तरफ जो देखो जाए तो यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े से क्रोम का यहाँ पे आपको हल्की सी गार्निश यहाँ पे देखने को मिलेगी। DRL यहाँ पे बेस मॉडल में आपको मिल जाते हैं। हेडलैम्प का सेटअप देखा जाए तो यहाँ पे आपको डुअल जोन जो है आपको यहाँ पे सेटअप दिया गया है। यहाँ पे LED आपको हेडलैम्प मिलते हैं, साथ में आपको यहाँ पे DRL का भी सेटअप दिया गया, यानी कि DRL प्लस इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे बेस मॉडल में और में ही इंडिकेटर्स यहाँ पे प्लेसिंग की गई है, बट ये इलेक्ट्रिकली डिटेक्टेबल नहीं है, ये आपको मैनुअली फोल्ड ही करना होगा। और हाँ, मिरर जो है आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, आपको वहाँ पे स्विचेस दी गई है अंदर में, मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ पे। ओवरऑल जो डिज़ाइन है एलिमेंट जो है आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखा जाए तो इसका डिज़ाइन एलिमेंट जो आप इसको लेंथ जो मिलती है ये 4561 mm की मिलती है, और अगर विड्थ देखा जाए तो विड्थ आपको 1752 mm की मिलने वाली है, और अगर हाइट देखा जाए तो 1507 mm की यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो व्हील बेस है वो 2651 mm का मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा व्हील बेस है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ground clearance आपको यहाँ पे 179 mm का मिलने वाला है, यानी कि 179 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस वाला मिलने वाला है। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 इंच के मिलने वाले हैं, यानी कि 255/R16 के मिलने वाले हैं। ये का टायर जो है गुडियर का टायर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील तो मिलते नहीं है, बट आपको अलॉय व्हील टाइप का डिजाइन कैप का आपको यहाँ पे व्हील कैप जरूर मिलने वाली है, और बहुत काफ़ी अच्छी भी लग रही है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको ORVM में जो ही इंडिकेटर, जैसे मैंने बोला कि ORVM में आपको इंडिकेटर जो मिल जाते हैं, और साथ में आपको पैसिव एंट्री नहीं मिलती, ना कीलेस एंट्री मिलती है, यहाँ पे स्विचेस वगैरह नहीं दिखे, को ड्राइवर और ड्राइवर साइड दोनों जगह नहीं मिले। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 45 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। देखा जाए तो डोर में आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलेगी, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल रहा है, मतलब बेस मॉडल में आपको सॉफ्ट टच कौन देता है। मैंने जितने भी किए मतलब सॉफ्ट टच बहुत कम मिलता है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलेगी, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम और बहुत अच्छी दिखती भी है, और साथ में आप यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का गार्निश भी आपको देखने को मिलेगी। लॉक अनलॉक का यहाँ पे बटन्स भी दिए गए हैं इंडिविजुअल, साथ में यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, प्लेसिंग किए गए हैं। साथ में मैंने जो बोला यहाँ पे मिरर के जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे आप देख कर सकते हो, बट रिट्रैक्टेबल नहीं है। स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको लेदर ट्रैप नहीं मिलता, क्योंकि ये बेस मॉडल है, बट टॉप एंड मॉडल और सेकेंड टॉप में आपको जरूर मिलेगा। म्यूजिक कंट्रोल्स जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे, स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल, और साथ में आपको वॉइस कमांड्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो दूसरी गाड़ियों में जो बेस मॉडल में बहुत कम मिलते हैं और ना के बराबर मिलते हैं, बट इसमें आपको Volkswagen में जो प्रैक्टिकल चीज जो है ना वो सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। देखा जाए तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, फुल्ली एनालॉग, मतलब एनालॉग ही है यार, यहाँ पे भी एनालॉग है और यहाँ भी है। यहाँ पे RPM मीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलने वाला है। ऑन करते हैं तो यहाँ पे बीच में आपको डिजिटल मीटर भी मिलने वाला है, जिसमें से टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे मोड चेंज होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस और उसके बाद स्पीड, ये इकोनॉमी वगैरह सब जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ से आप ओके कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये ऐसे चेंज कर सकते हो। डिजिटल यहाँ पे आपको ऐसे मिलने वाला है,
कलर नहीं, थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट मिलने वाला है। ट्रिप मीटर देखा जाए तो सेट करना है तो यहाँ से ट्रिप मीटर सेट कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर डुअल टोन में मिलेगा, क्योंकि एक बेस और ब्लैक कलर का हल्का सा ग्रेइश टाइप का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। प्लास्टिक क्वालिटी काफी अच्छी है, प्रीमियम लगती है यार, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है। फोक्सवैगन की जो VW की है, काफी अच्छी जो प्लास्टिक क्वालिटी होती है। एयर वेंट काफी अच्छे हैं, इसके नॉब्स जो हैं थोड़े से मुझे मतलब ठीक लगे, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, क्वाइट डिसेंट। और यहाँ पे आपको AC के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो मैनुअल में है। और साथ में यहाँ पे कुछ जगह मिलने वाली है यहाँ पे। और टॉप एंड मॉडल में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिलता है, बट यहाँ पे आपको कुछ जगह ही मिलेगी। और यहाँ पे कुछ ऐसा तो मिलने वाला नहीं कुछ भी। टाइप सी के पोर्ट यहाँ पे नहीं है, USB का पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 12 वॉट का सॉकेट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दो कप छोटे छोटे आप रख सकते हो यहाँ पे, कुछ यहाँ पे चाबी वगैरह कुछ रख सकते हो, और कुछ ऐसा यहाँ पे मतलब स्टोरेज है नहीं। और साथ में देखा जाए तो ऑटो स्टॉप स्टार्ट बटन का जो है, यानी कि स्टार्ट स्टॉप बटन जो होता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन का यहाँ पे अब स्विच दिया गया है ऑफ ऑन का। ट्रैक्शन के लिए एक अलग से इंडिविजुअल बटन्स दिए गए हैं, यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं। हेडलाइट के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे। की देखा जाए तो आपको कुछ ऐसे मिलने वाली है, दो की मिलेगी, वो भी ऐसे रिमोट में, मतलब आपको बेस मॉडल में आपको रिमोट की मिल जाती है, बहुत अच्छी चीज है। जो 4-डोर विंडो आपको पावर वाले मिलते हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज हो जाती है। और डुअल एयरबैग्स आपको मिलेंगे ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में। इसके टॉप एंड मॉडल में आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, और अगर देखा जाए सेकेंड टॉप की बात करें तो सेकेंड टॉप में आपको 4 एयरबैग्स आपको मिलते हैं। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में आपको ग्लव बॉक्स में यहाँ पे अच्छा स्टोरेज मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको ना इल्यूमिनेटेड मिलता है ना यहाँ पे कूल ग्लव बॉक्स मिलता है, नॉर्मल मिलता है। बेस मॉडल में आपको बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 इंच का मतलब म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। टच स्क्रीन अच्छा अच्छा मिल जाएगा आपको। एक बेस मॉडल में टच स्क्रीन आपको 7 इंचेस के मिल रहे हैं, साथ में आपको 4 स्पीकर साथ में मिल रहे हैं, 2 ट्यूटर जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बट यहाँ पे ट्यूटर नहीं है, आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा सा डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, यहाँ आपको वैनिटी मिरर मिलेगा साथ में। और अगर देखा जाए तो ये जो ग्लास होल्डर जो है यहाँ पे, शायद मुझे लग रहा नहीं, यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे आपको LED जो है लाइट्स यहाँ पे भी मिलती है। सबसे इतनी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको फोक्सवैगन में लाइटें जो है LED मिलने वाली है। यहाँ पे जैसे हाइलोजन टाइप की लाइटें मिल जाती हैं वैसे नहीं मिलने वाली, बट यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता, यहाँ पे एडजस्टेबल करके करना ही पड़ेगा, मैनुअल है। हम लोग चलते हैं पीछे, मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है सीट एडजस्ट कर ली है, और मुझे अच्छा थाई सपोर्ट भी मिल रहा है। ये जो सीट है ये फैब्रिक सीट है, जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये आपको जो सीट मिलती है ये पूरी फैब्रिक मिलती है, ये देख रहे हो आप। काफी अच्छा सपोर्ट भी मिलता है, साई सपोर्ट भी अच्छा है, और कुशनी भी है। चलते हैं हम लोग अंदर, तो अंदर पे यहाँ पे आपको ये काफी अच्छा नी रूम तो काफी अच्छी मिल रही है, बहुत ज्यादा नी रूम मिल रही है। इतनी नी रूम अगर कोई बंदा और 6 फुट का भी बंदा आ जाएगा पीछे हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छी जगह मिलने वाली है। यहाँ पे मुझे थाई सपोर्ट काफी अच्छा मिल रहा है, देख रहे हो आप कि थाई सपोर्ट मुझे काफी अच्छा मिल रहा है, यानी ये जो है इसकी कुशनी ये बहुत अच्छा, इसका मतलब मैं बोलूँगा जितने भी मैंने स्लाविया में भी देखा, स्कोडा का स्लाविया, वहाँ पे भी आपको वैसी ही सीट मिलती, क्योंकि एक सेम सेगमेंट में बनी है, और इसके जो थाई सपोर्ट है काफ़ी अच्छा है। हाँ, अगर देखा जाए तो एडल्ट दो अच्छे बैठ सकते हैं, जैसे मेरे जैसे एडल्ट जो है दो ही बैठ सकते हैं, बट अगर एक चाइल्ड छोटा बैठ सकता है साथ में अगर देखा जाए तो। वैसे 3 बंदों के बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको रेयर जो है आर्मरेस्ट नहीं मिलता, टॉप एंड मॉडल में आपको जरूर मिलने वाला है, सेकंड टॉप में भी मिलने वाला है, और साथ में फ्रंट में भी आपको आर्मरेस्ट जरूर मिलेगा, वो भी टॉप एंड और सेकंड टॉप में। हाँ, एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये यह है कि आपको रियर साइड में जो हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आपको तीनों में मिलते हैं ना, तीन मिलते हैं। हर कंपनियों को यही करना चाहिए, जो हेडरेस्ट जो है आपको एडजस्टेबल देने चाहिए। थोड़ा सा हम्प जो यहाँ पे मिलेगा, रियर साइड में आपको AC नहीं मिलती। देखा जाए तो वर्टिस में आपको बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है, वो है यहाँ पे लाइट्स, जो रियर साइड में भी मिलती है। हर गाड़ियों को ये तो करना चाहिए कि भाई रियर साइड के लिए रियर लाइट और
फ्रंट के लिए फ्रंट लाइट, रियर साइड के डोर में भी आपको जो कंट्रोल से ये पावर वाले मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको जो बेस मॉडल में पावर विंडो, फोर डोर पावर विंडो मिलते हैं। सॉफ्ट टच भी यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे एक एक लीटर की बोतल चारों डोर में यहाँ पे रखने को मिलेगी। तो फोक्सवैगन में एक दो चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी मिलती हैं। एक तो क्रॉस बार्स ऑन डोर्स, क्रॉस बार ऑन डोर जो यहाँ पे मिलती है, जो इम्पैक्ट, जो साइड इम्पैक्ट जो पड़ती है वो बहुत कम पड़ेगी। और एक चीज़ जो इसका जो पेंट प्रोटेक्शन है, जितनी भी कंपनियाँ हैं वो 7 लेयर्स की बनाती हैं, बट यहाँ पे आपको 11 लेयर्स का यहाँ पे मिलता है। सबसे बड़ी बात कि 3 इयर्स की आपको यहाँ पे वारंटी भी मिलती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। आपको PPF वगैरह कुछ कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पबल टेस्ट जो होता है वो पबल टेस्ट भी करेंगे ना, तो पबल टेस्ट करने के बाद भी इसमें हल्की सी स्क्रैचेस नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ बेंड जरूर हो जाएगा, बट वहाँ पे स्क्रैचेस एकदम नहीं आएंगे। ये कंपनी का दावा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पबल टेस्ट जो दिखाया गया, वी कैरी आउट द स्पेशल टोन्स इम्पैक्ट टेस्ट ऑन द बॉडी, ये जो है यहाँ पे आपको दिखता है। साथ में आपको 11 स्टेज केमिकल प्रोसेस दैट मेक द पेंट ऑफ रेजिस्टेंट कोरोजन, यूवी एंड पबल। नो वंडर इन टू कम 3 इयर्स वारंटी, 3 इयर्स वारंटी भी यहाँ पे आपको मिलती है, वो भी आपको पेंट में। देखा जाए तो यहाँ पे फोक्सवैगन में एक अच्छी चीज ये है कि पैनल गैप्स नहीं है। आपको दिख रहे होंगे ये यहाँ पे आपको पैनल गैप्स मिलते हैं, सेम पैनल गैप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। यानी कि इसमें अगर एक देखा जाए तो एक ATM कार्ड भी लेके आओगे, और ATM कार्ड से अगर आप उसको एक स्वाइप करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको एक सेम आपको पैनल गैप्स मिलेंगे, जो कि पैनल गैप्स बहुत गाड़ियों में, यानी कि टाटा की गाड़ियों में, बहुत सी गाड़ियों में मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको पैनल गैप्स नहीं मिलते। देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि अगर दरवाज़ा बंद होता है तो हमें बाहर का नॉइज़ जो है बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। बट यहाँ पे एक वर्टिस में एक ऐसी चीज़ दिखाई दी मुझे कि यहाँ पे एक अलग से जो साथ में एक जो प्रोटेक्शन दी हुई है, यहाँ पे एक अलग सा रबड़ जो दिया गया है, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो बाहर की आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है। यानी कि साउंड डेडनिंग का काम पूरा करता है, और आपको बाहर की जो नॉइज़ जो होती है, टायर की नॉइज़ हो गई, ये बहुत कम सुनाई देगी। वर्टिस में सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपकी गाड़ी ओपन नहीं है, अगर ये ओपन है तो ठीक है, अगर ये ओपन नहीं है तो नहीं खुलती है, किसी की भी नहीं खुलती है, क्योंकि यहाँ से खुलने के कोई जगह नहीं है, अंदर से आप खोलते हो। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर यहाँ से आप ओपन कर देते हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी गाड़ी ओपन है कुछ देर के लिए, उसके बाद आप यहाँ पे आराम से ऐसा पुश करो और ये खुल जाएगी। ये सबसे अच्छा फीचर है कि आपको नीचे से कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेट्रोल पंप में हो और अगर गाड़ी आपने ऑफ कर दी है, तो गाड़ी अपने आप, आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, वहीं बैठे रहना है, बंदा आएगा पेट्रोल भरने के लिए, आपको खाली ऐसे पुश करना है, यहाँ से पुश किया और यहाँ से खोला और आराम से पेट्रोल भर दी। ये सबसे अच्छा फीचर्स है। आपको कैसा फीचर्स अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब जरूर करें। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ओपन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से ओपन कहाँ होता है मैं देखता हूँ। ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से आप खींचोगे तो ओपन हो गया, जैसे आवाज़ आ रही है। बोनट काफ़ी हैवी है, मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छी हैवी है। इंसुलेशन एकदम नहीं दिया है, यानी इंसुलेशन आपको नहीं देने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी हैवी यहाँ पे आपको बोनट मिलता है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन मिलती है यहाँ पे, जो इनको जो नाम दिया गया है वो TSI, जो TSI इंजन है फोक्सवैगन की। और अगर देखा जाए तो इसके जो पावर फिगर है, ये 115 यानी कि 115 PS की पावर, और साथ में 178 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जो कि बहुत अच्छा खासा पावर जनरेट करती है। लो एंड टॉर्क भी इसका काफ़ी अच्छा है। देखिए भारी इतनी है कि मैं एक हाथ से उठा नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा। फोक्सवैगन वर्टिस की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये दी गई है कि मोनोकॉक डिज़ाइन में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कमज़ोर जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अंदर आओ तो यहाँ पे आपको जो चैसी का जो द बिल्ड क्वालिटी होती है वो बहुत कम मिलती है, छोटी मिलती है, मतलब बहुत वीक मिलती है, उतनी ज़्यादा हैवी नहीं, हैवीएस नहीं होती है। बट यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मोटी सी आपको चैसी डिज़ाइन दिया गया है, जो इम्पैक्ट को बहुत झेलती है और साथ में आपको इंजन प्रोटेक्ट जरूर करती है। देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्रम्पल जोन जो दिया गया है, यहाँ पे अगर फ्रंट इम्पैक्ट पड़ती भी है तो आपको
इंजन पे और ना फ्रंट पे आपको कोलिजन होने से बचाता है, और साथ में आपको यहाँ पे डैमेज नहीं होके आपके ए पिलर पे जो है वो डाइवर्ट करता है, यानी कि दोनों जगह जो है ए पिलर में ही डाइवर्ट होती है, जिससे आपको काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी और काफ़ी अच्छा आपको सेफ्टी मतलब प्रोड्यूस करती है। देखा जाए तो आपको यहाँ पे जो आप पार्ट दिख रहे होंगे, यहाँ पे जो अलग से इंजीनियर डिज़ाइन दिए गए हैं यहाँ पे स्टील के, जो कनेक्टेड है हर जगह से कनेक्टेड है वो, अगर फ्रंट से इम्पैक्ट पड़ता भी है तो यहाँ पे आपको क्रश होने से बचाएगा, और साथ में अगर बोनट उठ भी जाता है तो साथ में आपको क्रम्पल जोन्स जो हैं यहाँ और यहाँ वो ए पिलर में आपको डाइवर्ट कर देते हैं। बात करते हैं अब कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में यहीं पहुँचे हैं कि आपको बेस मॉडल में सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रैक्टिकल में होती है, यानी कि म्यूजिक सिस्टम से लेके सारी चीज़ें जो आपको मिलता है। बट ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे एक तो 5-स्टार रेटिंग लेके आई है, ये साइड इम्पैक्ट से भी बहुत अच्छा, इसका जो अभी जो नया नॉर्म्स आया है ग्लोबल इनकैप का, उसमें 5-स्टार रेटिंग लेके आई है। यही नहीं, 5-स्टार रेटिंग एडल्ट सेफ्टी में तो जरूर लेके आई है, बट चाइल्ड सेफ्टी में भी जरूर लेके आई है। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आप जमशेदपुर फोक्सवैगन, यहाँ पे आदितपुर में है ये, मैं इसके जो जितने भी एड्रेस है और जो भी इसका लोकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। देखा जाए तो यहाँ पे आपको ये जो मैंने आपको गाड़ी जो दिखाई है वो BS6 फेज़ 1 है, इसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं, यहाँ पे आके आप पता कर सकते हो, अराउंड 70,000 के आसपास में बोला गया है, हो सकता है मे बी एक्सटेंड हो, मतलब यानी कि ज़्यादा भी मिल सकता है आपको। आप यहाँ पे आके विजिट करें और ये बहुत अच्छा आपको ऑफर मिलने वाला है। इसका जो इंजन है बहुत अच्छा है, यानी कि रिफाइंड भी है, मैंने आपको आवाज़ जो है सुनाई नहीं, मैंने आपको स्लाविया की जो गाड़ी का जो इंजन है वो सेम इंजन आपको यहाँ पे मिलता है, मैंने उसकी केबिन नॉइज़ भी आपको सुनाई थी, एकदम केबिन नॉइज़ नहीं थी। जो टर्बो चार्ज इंजन वो भी 1 लीटर की 3 सिलेंडर इंजन में मिलता है, वो भी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें 1 लीटर में आपको 178 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, सत श्री अकाल।